तो गाइस अगर आप भी अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो पैसा है उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट के वॉच कर लो। उसके बाद वन क्लिक में आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। एंड गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो पैसा उससे आप कोई सा भी सामान को परचेज कर सकते हो, कोई सा भी चीज़ को परचेज कर सकते हो। तो चलिए मैं फाइनली आपको सारा कुछ बता देते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट के वॉच कर लेना है क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारा जानकारी यहां पे मिल जाने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पे प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पे अगर आप अपने फ्लिपकार्ट को अभी तक यहां पे अपडेट नहीं किए होंगे तो फटाक से जाकर के अपडेट कर लेना है। तभी तो गई यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप में वर्क करेगा, अन्यथा आप में वहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर गई आप अपडेट नहीं करना चाह रहे तो आपको क्या करना है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट का लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी जा करके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, जैसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे में 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तो आपको अकाउंट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर पे क्लिक करते हो ना, उसके बाद यहाँ पे जो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर में यहाँ पे आपका जो पैसा मिला होगा सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 50,000 मिला है, जैसे कि देख सकते हो अवेलेबल यहाँ पे क्रेडिट शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बे पे लेटर। और अगर आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के पैसे को यूज करते हो तो यहाँ पे 30 दिन तक के आपको नो इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना होगा, यहाँ पे इसके सभी फायदे देखने को मिल जाएंगे। अगर चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे गई अब चलिए मैं आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के जो पैसा उससे कोई भी सामान परचेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैंक आ जाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो पैसा उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे गई सबसे पहले तो आपको होम पेज पे आ जाना, उसके बाद जो भी सामान आप लेना चाह रहे हो, जैसे तो यहाँ पे गई आपको जैसे रियलमी का मोबाइल मैं यहाँ पे परचेज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो रियलमी का बहुत सारे मोबाइल आ चुका है। तो जो भी लेना चाह रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विथ EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा वो शो हो जाएगा, अगर शो नहीं होता है तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना आपको डिस्काउंट है, कितना आपको यहाँ पे मतलब डिलीवरी चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा है, सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड EMI। तो अगर आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा को यूज करना चाहते हो इस पे क्लिक करना और उसके बाद फिर आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के पैसे को यूज कर सकते हो। या फिर कहीं आप यहाँ पे UPI के माध्यम से यूज करना चाह रहे हो, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से यूज करना चाह रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, यानी कि आप यहाँ पे जिसके माध्यम से यूज करना चाह रहे हो वो माध्यम से यूज कर सकते हो। तो यहाँ से कहीं आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी पैसा को यहाँ पे यूज कर सकते हो कुछ इस टाइप से। मैं आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से आपको होम पेज पर आ जाना है, होम पेज पर आने के बाद फिर से आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करो उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो पे योर हॉर्स होल्ड बिल ऑन फ्लिपकार्ट। तो आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे मोबाइल पोस्टपेड, यहाँ पे गैस, यहाँ पे देख सकते हो वाटर, या फिर आप सिम और वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, यानी गई आप चाहो तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है तो इस पे क्लिक करना है,
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। अगर गए आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर के पैसे को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहो तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे गई आप कुछ भी परचेज करके ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर गई आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, या फिर मोबाइल पोस्टपेड, या फिर गई आप यहाँ से बाटर, या फिर गई आप यहाँ से कोई सा भी यहाँ पे एक माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि गई यहाँ पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट होगा, आपको क्या करना है यहाँ से बिल पेमेंट कर देना है। यहाँ से बिल पेमेंट करने के बाद वहाँ पे आपको उनसे पैसा ले लेना है, तो यहाँ से गई आप अपने पे लेटर का पैसा यूज कर सकते हो इस टाइप से। अगर आपका दोस्त फ्रेंड या किन्हीं का भी होगा यहाँ पे, या फिर मोबाइल पोस्टपेड रिचार्ज करने को, या फिर गई आप यहाँ पे कोई सा भी हॉस्पिटल में पेमेंट करने को, तो इस तरह से पेमेंट करके उनसे आप पैसे ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चाह रहे हो अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे गई फ्लिपकार्ट के अंदर वैसा कोई भी ऑप्शन अभी तक दिया हुआ नहीं है, या फिर कोई भी ऑप्शन आया नहीं है जिससे कि आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को फटाक से जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।